नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का माध्य क्लासेस में। अगर आप लोग भी इस तरीके का स्टेटस बनाना सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरीके का वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉन्ग या कोई भी आपको जो भी सॉन्ग अच्छा लगता है तो वैसे सॉन्ग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके का स्टेटस बनाया कैसे जाता है, तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना काइंड मास्टर ओपन कर लेना है। काइंड मास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले बटन पे टैप करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जिस भी रेशियो में आप बनाना चाहते हैं वो रेशियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 16:9 का रेशियो ले रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मीडिया लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको मीडिया लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको इस मीडिया पर आपको क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी फ़ोटो को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप उस फ़ोटो को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो एक भी फ़ोटो से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटो लेकर के मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं 1, 2, 3 फिर से मैं इसी तीनों फ़ोटो को आपको लेकर के दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 6 फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे इसे प्ले करके देखिए कि ये किस तरीके का चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसे आपको सेट करना है। सेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट फ़ोटो पे टैप करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्रॉप का बटन दिख रहा होगा, तो आपको क्रॉप वाले बटन पे टैप करना है। टैप करने के बाद जो है आपको स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को सिलेक्ट करना है कि स्टार्ट पोजीशन किस तरह से रहे और एंड पोजीशन किस तरीके से रहे। तो स्टार्ट पोजीशन को आप मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेती हूँ जैसा मुझे ठीक लगता है। ठीक है, मैंने स्टार्ट पोजीशन को इस तरीके से ले लिया। अब एंड पोजीशन पर टैप करके आप जिस तरीके से रखना चाहते हैं आप उस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे फ़ोटो में स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को आपको सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, मैं इस फ़ोटो को भी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन में सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो भी जो है इसको भी मैं स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन में सिलेक्ट कर लेती हूँ कि जैसा मुझे रखना है। इस तरीके से सारे फ़ोटो को आपको इसी तरीके से कर लेना है, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन। इस तरीके का फ़ोटो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, इस तरीके से आपको सारे फ़ोटो में कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे थोड़ा प्ले करके देख लेना है कि किस तरीके का लग रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं इस फ़ोटो और इस फ़ोटो के बीच में एक गैप है, तो आपको क्या करना है, इस गैप में आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको क्लासिक ट्रांजिशन लिखा हुआ दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लासिक ट्रांजिशन लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस क्लासिक ट्रांजिशन में टैप करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। इस पर टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इमेज दिखेगा, इस पर टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस पर टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो मैं यहाँ पर जूम आउट ले रही हूँ, मुझे जूम आउट अच्छा लगता है, तो उस पर इसके बाद आपको टिक कर देना। उसी तरह आपको सारे फ़ोटो के गैप में करना है। आपको फिर से दूसरे वाले फ़ोटो के गैप में जाना है, फिर से इस पर टैप करना है, क्लासिक ट्रांजिशन में जाना है, जूम आउट सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको आपने जितने भी फ़ोटो लिए होंगे आपको उसमें इसी तरीके से करना है। आप जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जूम आउट ले रही हूँ। इस तरीके से सारे फ़ोटो में आपको लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे फ़ोटो में इस तरीके से ले लिया। आप इसे प्ले करके आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का एंड जब होगा तो जूम आउट तरीके से होगा, तो ये ऐसा देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब आपको क्या करना है, आपको शेयर वाले बटन पे जाना है। शेयर वाले बटन पे जा कर के आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद इसमें आपको टेम्पलेट लगाना है, तो पहले से मैं एक्सपोर्टिंग होने देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है, फिर से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से आपको अपना काइंड मास्टर ओपन करना है। जो रेशियो आप लोगों ने लिया था उस रेशियो को ले लेना है।
उसके बाद आपको फिर से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे टेम्पलेट ले लेना है, जो टेम्पलेट आप लोग पहले से डाउनलोड करके रखे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट डाउनलोड करके रखा है, इसे कहाँ से डाउनलोड करना है अगर आप लोग को पता करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है पूछिएगा। इस टेम्पलेट को वैसे तो आप लोग प्ले स्टोर में से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे टेम्पलेट को। तो इस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे लेके टिक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आपको प्ले करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके का लगता है। आप यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक, बर्थडे सॉन्ग या फिर वेडिंग एनिवर्सरी, आपको जो भी यहाँ पे सॉन्ग ऐड करना है आप वो सॉन्ग को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब आपको क्या करना है, आपको इस लेयर वाले बटन पे टैप करना है। आप देख सकते हैं कि ये लेयर वाला बटन है, तो आपको लेयर वाले बटन पे टैप करना है। लेयर वाले बटन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक मीडिया दिख रहा होगा, तो आपको इस मीडिया पे टैप करना है। मीडिया पे टैप करने के बाद जिस वीडियो को अभी आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को ले लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी इस वीडियो को एक्सपोर्ट किया था, यानी कि जिस इमेज को मैंने बनाया था तो उसको एक्सपोर्ट कर लिया था। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो टेम्पलेट है जो थोड़ा ज़्यादा है, आपको क्या करना है इसे काट देना है। ये जो कैची वाला बना हुआ दिख रहा है उस पर जाना है, आपको राइट साइड वाले भाग को काटना है। तो ट्रिम टू राइट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ये कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बराबर हो गया है। अब आपको इसमें क्या ऐड करना है, ये जो आपने अभी इमेज लिया है आप देख सकते हैं सेकेंड लेयर है, तो सेकेंड लेयर पे आपको टैप करना है। सेकेंड लेयर पे टैप करने के बाद आप इसे थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो आपको एक अल्फ़ा का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा का एक ऑप्शन आया है, तो आपको इस अल्फ़ा वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आप इसे थोड़ा घटा दीजिएगा, आप देख सकते हैं आप जितना घटाएंगे ये उतना घटते जाएगा। आपको जितना रखना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर वाले बटन पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसे यहाँ पे प्ले करके देखिएगा कि ये किस तरीके का लगता है। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का बन गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी बच्चे का बर्थडे या फिर आप खुद की वेडिंग एनिवर्सरी या फिर जिसका भी आप चाहें तो इस तरीके का आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक स्टेप बताया है, इसे और भी अच्छे अच्छे स्टेप है जो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको शेयर वाले बटन पर जाना है। शेयर वाले बटन पर जा कर के आपको क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप इसे एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, तो ये कुछ इस तरीके का एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके फाइल में ये चला जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।